हरदोई के युवा पारस के द्वारा मछली पालन का काम किया जा रहा है। उसका कहना है कि वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने किसी भी प्रकार की नौकरी की तरफ रुख नहीं किया, फिर चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। पारस बताते हैं कि उसके पिता मछली पालन का काम करते थे, जिसे वह अकेले कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और कमाई कम होती थी। मगर जैसे ही उसने 8 साल पहले अपने पिता के काम में साथ देना शुरू किया तो कमाई भी अच्छी होने लगी और अब वह 6 एकड़ के तालाब में मछली पालन कर रहा है। हरदोई के पारस, जो कि मछली पालन का काम करते हैं, उन्होंने 6 एकड़ के तालाब में लाखों मछलियां पाल रखी हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने केवल पंगेसियस मछली का ही पालन कर रखा है, जिसका सीड बंगाल के कोलकाता से आता है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग ऑर्डर पर यहाँ तक पहुँचाते हैं। उन्होंने इसी मछली का इस वजह से पालन किया क्योंकि वह बताते हैं कि मार्केट में इसकी बहुतायत में डिमांड है और उनके तालाब से ही व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं। पारस, मछली पालन से अगर वार्षिक आय की बात की जाए तो वह 6 एकड़ के तालाब में करीब 10 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं, जो कि नौकरी में नहीं मिलता। क्या करते हैं आप और कब से कर रहे हैं? सर, हम मछली का काम कर रहे हैं और इसे करते हुए हमें 8 साल हो गए। इससे पहले हमारे पापा भी यही काम कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन उन्हीं के काम में हम लोगों ने, दो भाई हैं, मेरा नाम पारस है, मेरे बड़े भाई का नाम पवन है, जो पापा का अपने काम जो मछली कर रहे थे उसी में हाथ बटा रहे हैं। और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बल्कि मैंने दूसरे की सरकारी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ना करते हुए मैंने मछली का काम किया और इसमें बेहतर मुनाफा हो रहा है, जो कि नौकरी से कहीं अच्छा है। मतलब कह सकते हैं कि जितना आप नौकरी करके कमाते जी, उससे बेहतर आप इसमें कमाई कर रहे हैं। नौकरी में सर, उसमें तो लिमिट है कि हम 20,000 या 30,000 रुपये प्राइवेट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। जितना अच्छा मेहनत कर लेते हैं उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिल जाता है और ज़्यादा पैसा बचता है। अच्छा, कितने एकड़ में आपने ये तालाब बना रखा है और कितनी मछलियाँ हैं? ये सर, हमारा 6 एकड़ के बीच में तालाब है और 50,000 मछली इसमें हम पाल रहे हैं। क्या अकेले ही इस काम को आप कर रहे हैं और भी लोग हैं? नहीं सर, हम इसमें हम और हमारे भाई बड़े और 10-12-20 लोग और भी काम करते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते करते हैं वो भी लोग इसी से काम कर रहे हैं। मतलब आप खुद तो सक्षम हैं, साथ ही रोजगार भी दे रहे हैं लोग। जी, 10-12-15 लोगों को रोजगार हमारे द्वारा मिल रहा है जो मछली का काम कर रहे हैं उससे। अच्छा, अगर वार्षिक आय की बात की जाए जी, कितनी अनुमानित आय हो जाती है? ये सर, लमसम 9 या 10 लाख रुपए के आसपास हम लोग इससे इनकम कर लेते हैं। लागत कितनी लग जाती है? लागत सर, कई शिफ्टों में इसका काम होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 20 लाख रुपया लगाया एक शिफ्ट में, तो उसमें 3 लाख रुपए तो आराम से बचे ही जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसका मार्केट इतना अच्छा है कि जितने समय आप मछली तैयार हो जाए 5 दिन के अंदर ही बिक जाती है। ये पंगेसियस मछली का काम है, जो कि आज के दिन में बहुत ही डिमांड आदमी के द्वारा खाने के लिए की जा रही है। अच्छा, कहाँ से ये मछलियाँ लाते हैं और किस तरह से लाते हैं? ये सर, इसका बच्चा कोलकाता में नहटी मार्केट है, वहाँ से लिया जाता है, जो कि वहीं के लोकल लोग बंगाली यहाँ पे लेके आते हैं और तुल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसे नर्सरी में शिफ्ट करते हैं। नर्सरी में 15-20 दिन के बाद जब ये बच्चा बढ़िया तरीके से ग्रोथ करने लगता है और सुरक्षित हो जाता है, फिर हम इसे बड़े तालाब में शिफ्ट कर देते हैं। किस तरह से इनकी देख रेख करते हैं? मान लीजिए कोई अगर बीमारी लगती है तो किस तरह से इसकी? सर, अगर इसमें बीमारी या फंगल कुछ भी आता है तो जो इसके डॉक्टर हैं मछली के, हम उनसे संपर्क करते हैं, वो आते हैं, मछलियां चेक करते हैं और जो भी एंटीबायोटिक दवाई या जो भी दवा है वो देते हैं, उसको यूज करते हैं और मछलियाँ सही हो जाती हैं। अच्छा, कहाँ इनकी बिक्री करते हैं या व्यापारी किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर, ये जो बिक्री के लिए हमारे यहीं पे आ जाते हैं गाड़ी वाले या फुटकर के, उन्हीं को यहीं तालाब पे ही तोल देते हैं, वो ले जाके मंडी में या मार्केट में फुटकर बेच देते हैं सारी मछलियाँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पारस है। क्या सरकार की तरफ से किसी भी योजना का लाभ लेते हैं आप? जी सर, मुझे ये इसके 2 साल पहले ही सरकार से अनुदान मिल चुका है तालाब बनाने के लिए।
और भी प्लांट या कुछ ऐसा आपने लगा रखा है? सर मुझे प्लांट आरएस मिला है, वो भी मेरी मम्मी को नाम मिला है, राम बेटी के नाम, वो आरएस प्लांट है जिसमें हम बच्चे को भी रोकते हैं और सर्दी के टाइम में उससे बच्चा बचा लेते हैं जो पंगास का है, वो बाहर बच्चा ठंड के मौसम में बाहर तालाब में नहीं बच पाता है, उसको हम ठंड में प्लांट में ही शिफ्ट कर लेते हैं और वहीं पे सुरक्षित बना रहता है।